चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सारे प्रश्न लिखते जाइए और इसके सारे उत्तर मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। और आपको पहले खुद से करते जाना है, इनके सारे उत्तर मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ये मैं आपको 100 प्रश्न बताने वाला हूँ। ये आपके आने वाले IIBF के BCA एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। पिछली बार मैंने इंग्लिश भाई को भी बताया था, लेकिन उसका कुछ खास रिस्पांस नहीं है, तो इसलिए मैं केवल इस बार हिंदी भाइयों के लिए ही क्वेश्चंस पढ़ूंगा, लेकिन वो इंग्लिश भाई भी इसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो और दोनों लैंग्वेज में बोलने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँगा प्रश्न, और बाकी इंग्लिश भाई हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। धन्यवाद, शुरू करते हैं। PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु का दावा इसके लिए उपलब्ध है, 1 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए, 3 लाख रुपए के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न, 100 रुपए नोट, सॉरी 100 रुपी नोट इज साइंड बाय, 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, RBI के गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अगर 2-3 दिन पहले के अगर मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इसमें बताया था नोट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से। तो अगला प्रश्न, एग्जिम बैंक केंद्रित है मध्यम अवधि का वित्त पोषण, अल्पकालिक वित्त पोषण, लघु और मध्यम अवधि के वित्त पोषण, लघु और दीर्घकालिक के वित्त पोषण। अगला प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट को आमतौर पर बैंकों द्वारा डैश में अनुमति दी जाती है, बचत खाते, सावधि जमा खाते, चालू खाते, आवर्ती जमा खाते। इंटरनेट बैंकिंग डैश को संदर्भित करता है, इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन, ATM के माध्यम से खाता खोलना, दोनों, एक और दो, या इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, छठवां, रीजनल रूरल बैंक्स वर सेटअप वाइड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, नाबार्ड अधिनियम, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24 के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम मूल्य वर्ग के लिए नोट जारी कर सकता है, 500, 5000, 10000, 1000। अगला प्रश्न, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सभी ATM और POS मशीनों में स्वीकार किए जाते हैं, ऊपर के सभी। बैंक में सेविंग बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है कितनी, 8 साल, 10 साल, 12 साल, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, बचत खाते के ब्याज की दरें इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि आप कितनी बचत की है आपने, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न, डैश बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो ग्राहकों को एक वेबसाइट पर लेन देन करने और अपने खाते को बनाए रखने, धन हस्तांतरित करने, बिल का भुगतान करने आदि जैसी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती है, ए इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, ऑफलाइन। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन, ATM के माध्यम से खाता खोलना, दोनों, ए बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बीमा लाभ के साथ बचत खाता है, एक दीर्घकालिक ऋण खाता, एक ओवरड्राफ्ट सुविधा, एक गैर निधि सुविधा, मूल्यवर्धित जमा सुविधा। हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, बैंक खाता कौन खोल सकता है, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, निरक्षर, वर्ग सभी। ओके, ये बड़ा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि उनके ग्राहक व्यक्ति या कॉरपोरेट के नाम सुरक्षा परिषद समिति द्वारा प्रकाशित किसी भी सूची में दिखाई न दें। RBI का यह कार्य निर्देश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है, ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति संगठन द्वारा लिए गए बैंक ऋणों अग्रिमों का उपयोग केवल उन्हीं गतिविधियों में किया जाता है जिसके लिए उन्हें लिया जाता है, हाँ, ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक में जमा धन अज्ञात और अनधिकृत स्रोतों से नहीं आया है, ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक विदेशी मुद्रा खरीद कर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि के लिए किसी विदेशी राष्ट्र का दौरा ना करें, ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय एक ऐसे राष्ट्र में नहीं जाते जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव के लिए निशाना बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, बचत करना आय का व्यय है, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न, लॉकर की सामग्री क्या है, ग्राहक द्वारा जाना जाता है, बैंक को पता है, दोनों, ए बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए RBI जिस शॉर्ट टर्म में कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वह ब्याज दर किसके नाम से जानी जाती है, पहला ब्याज दर,
रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर। अगला प्रश्न, एक अनुसूचित बैंक एक है जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की सूची तृतीय की आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें 10 करोड़ से अधिक जमा है, या चौथा जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सुविधा का लाभ उठाया जाता है, पहला व्यवसायी, दूसरा वेतनभोगी लोग, तीसरा लोग लंबी अवधि के लिए पैसा बचाना चाहते हैं जो मासिक आधार पर ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, धन रखने का सबसे सुरक्षित स्थान डैश है, जमीन में खुदा हुआ गड्ढा, एक लोहे का डिब्बा, बैंक, धन उधार देने वाला, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो बच्चे भी बता दिया। अगला प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे संपर्क में है किसान के, राज्य सहकारी बैंक के, भूमि विकास बैंक के, केंद्र सरकार के। अगला प्रश्न, जब कोई FDR किसी बैंक के ग्राहक द्वारा खोज लिया जाता है तो क्या दस्तावेज निष्पादित किया जाता है, गारंटी बॉन्ड, सरकारी अनुबंध, वचन बंधन, या क्षतिपूर्ति बॉन्ड। अगला प्रश्न, ATM कैन बी यूज्ड फॉर, इसका हिंदी नहीं दिया गया लेकिन मैं बता रहा हूँ, ATM किन किन चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, कैश निकालने के लिए, अकाउंट इंक्वायरी के लिए, अकाउंट की जानकारी लेने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का स्टेटमेंट लेने के लिए, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं चलाया जाता है, बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज बॉम्बे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे, NIBM, ये ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नगदी, कीमती धातु और अन्य अकाल्पनिक प्रतिभूतियों का बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है CRR, निश्चित संपत्ति, SLR या PLR। अगला प्रश्न, बैंक खाते में पैसे की बचत उन खातों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है जो जमा पर डैश ब्याज दर का भुगतान करते हैं, ए उच्च, कम, नहीं या दोहरा। अगला प्रश्न, रेपो रेट क्या होते हैं, यह एक ऐसी दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक को बेचता है, एक ऐसी दर है जिस पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, यह एक ऐसी दर है जिस पर RBI बाजार में छोटे ऋण की अनुमति देता है, यह एक ऐसा दर है जो बैंकों द्वारा अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों या प्रधान ग्राहकों को दी जाती है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तिगत बैंकिंग शामिल है, जमा, ऋण या क्रेडिट कार्ड या निवेश, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन, इसको हिंदी में बताता हूँ कि बैंक चार्ज करता है, मतलब बैंक ब्याज किस पर लेता है, जमा पर लेता है, लोन पर लेता है, दोनों पर लेता है, इनमें से कोई भी। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना क्या है, असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निश्चित पेंशन का भुगतान किया जाता है, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा को SB खातों में अनुमति दी जाएगी, खाते ऑप्शन है, खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 36 महीनों के लिए OD की सुविधा चलाना, ऑप्शन बी 12 महीने के लिए OD सुविधा चलाने के रूप में, ऑप्शन सी खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन 24 महीने के लिए OD सुविधा चलाना, ऑप्शन डी जैसा कि खाता धारक पसंद करता है OD सुविधा चलाना। अगला प्रश्न, पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 का PMJDY LIC बीमा उपलब्ध है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 और 26 जनवरी 2015 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, PMJDY के तहत जीवन बीमा कवर की योजना के तहत कवरेज के लिए उम्र कितनी है, डैश है 21-59 की आयु समूह, 18-59 की आयु समूह, 18-60 की आयु समूह, या 21-60 की आयु समूह। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसे स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए लॉन्च किया गया है ध्यान केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से, इसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत लागू किया जा रहा है, हाँ तो इसमें से कौन सा पहला केवल सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, PMMY के लिए क्या है, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधान प्राथमिक मुद्रा बाजार योजना, या ये सभी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY क्या है, जीवन बीमा को 2,00,000 रुपए तक बढ़ाता है, दुर्घटना बीमा कवर, ये दोनों ए बी और दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी, ओ सॉरी। अगला प्रश्न, 38 बैंकों NBFC MFI द्वारा उधारकर्ताओं को दिए गए PMMY ऋणों की ब्याज दरें क्या है,
ऑप्शन है, उधार देने वाले बैंकों एनबीएफसी एमएफआई द्वारा तय की गई उचित दरें जो कि समग्र आरबीआई दिशा निर्देशों के भीतर होनी चाहिए, मुद्रा द्वारा निर्धारित दर आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार समान दर, इनमें से कोई अगला प्रश्न। हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, ब्याज कम आता है, कभी भी वापस लिया जा सकता है, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, मुद्रा योजना आय सृजन उद्देश्य के तहत किस प्रकार के एमएसई व्यवसायों पर लागू होती है, नई शुरुआत, विस्तार या उन्नयन के लिए मौजूदा व्यवसाय, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पीएमजेडीवाई खाते में कितनी ब्याज बचत होगी, बचत बैंक खातों के लिए लागू ब्याज दर वर्तमान में अधिकतर बैंकों में 4% है, ऑप्शन बी ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गई है, सी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, या डी फिलहाल 2% पर ब्याज। अगला प्रश्न, अकाउंट पे चेक से भुगतान किया जा सकता है, बैंक के कैश काउंटर पर, एटीएम में, बैंक खाते में जमा करके, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, रुपए डेबिट कार्ड का विशेष लाभ क्या है, यह 1,00,000 रुपए तक का आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करता है, यह एक एटीएम कार्ड है, यह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, या केसीसी के लिए स्थानापन्न है। अगला प्रश्न, यह थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह फसल हानि के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करता है, करना है, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लेने वाले किसानों और गैर कर्जदार किसानों के लिए स्वैच्छिक होना अनिवार्य है, पोस्ट हार्वेस्ट जोखिमों के साथ गैर रोकथाम योग्य स्थानीयकृत जलवायु से जुड़े जोखिम भी शामिल हैं, यह योजना दावों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए फसल क्षति के त्वरित आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग करेगी। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, सभी, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, केवाईसी मीन्स क्या है, केवाईसी का मतलब क्या है, अपने ग्राहकों को जानो, अपने चरित्र को जानो, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, पीएमजेडीवाई के तहत स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सुविधा की राशि को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 5,000, 10,000, 15,000, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना है जिससे उन्हें स्थायी आजीविका संवर्धन के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके और वित्तीय सहायता में सुधार हो सके, इस योजना में विश्व बैंक से निवेश की सहायता ली जा सकती है या ली जाती है, तो ऑप्शन केवल एक, केवल दो, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिस पर भुगतान प्लेटफॉर्म है रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, या ये सभी, तो अगला प्रश्न चालू किया जाता है। अगला प्रश्न है 49 यानी 49, क्या कोई नाबालिग पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोल सकता है, ऑप्शन ए 18 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग किसी भी बैंक में अपना बचत बैंक खाता खोल सकता है, बी 10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग किसी भी बैंक में अपना बचत बैंक खाता खोल सकता है, ऑप्शन सी 12 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग किसी भी बैंक में अपना बचत खाता खोल सकता है, एक नाबालिग योजना के तहत खाता नहीं खोल सकता है। हाँ, मैं वेली भाई और बैंक मित्रों या सीएससी भाइयों की बता दूँ कि उत्तर की चिंता ना करें, पहले आप अपने कॉपी में सारे प्रश्न और अपने उत्तर लिखते लाइन से, आपके मन में जो उत्तर आपको आता है वो लिखते जाएं, फिर मैं आखिरी में सबको उत्तर बताऊंगा लाइन से और आप अपने अपने उत्तर मिलाते जाएं, फिर उसमें देखें कि आपको कितने नंबर मिले, आप कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो, ठीक है। तो उत्तर इसके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, इसके लिए चिंता ना करें। मैं अगले प्रश्न में जाता हूं, भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, श्री अरुण जेटली, श्री राजनाथ सिंह, श्री मनोहर पर्रिकर, या श्री सुरेश प्रभु। 51 अल्पावधि ऋण निम्नलिखित में से किस अवधि को चुकाने योग्य होता है, 20 साल, 3 साल, उधारकर्ता की इच्छा के अनुसार या गारंटर की इच्छा के अनुसार। अगला प्रश्न, इफ YTM इक्वल्स द कूपन रेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज डैश ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू, लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, इक्वल्स टू इट्स फेस वैल्यू, और ऑप्शन डी इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 53 पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सभी के लिए आवास, अर्बन यानी अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए, यह 2019 तक हाउसिंग फॉर ऑल को लागू करता है और इसे राजीव आवास योजना और राजीव रीजन योजना को सब्सक्राइब किया गया, यह 2011
2011 की जनगणना के अनुसार सभी 4,41 वैधानिक शहरों को शामिल करता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अगर निवेशक शॉर्ट टर्म ब्याज दरों में कमी की उम्मीद करते हैं, पहला, उपज वक्र में एक सकारात्मक ढलान होना चाहिए, बी, उपज वक्र उल्टा होना चाहिए, सी, उपज वक्र सपाट हो सकता है, उपज वक्र का ढलान वास्तव में बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मांग मुद्रास्फीति को बढ़ाने का कारण नहीं है? उपरोक्त वस्तुओं की कमी, अधिक निर्यात, आर्थिक विकास या कम आयात? ये प्रश्न है 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग मुद्रास्फीति को बढ़ाने का कारण नहीं है? उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, अधिक निर्यात, आर्थिक विकास या कम आयात? अगला प्रश्न 56वां प्रश्न है, वित्तीय मध्यस्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चैनल बचतकर्ताओं से लेकर उधारकर्ताओं तक, ऑप्शन बी, आर्थिक दक्षता को बहुत बढ़ाता है, कई वित्तीय नवाचारों का एक स्रोत रहा है, सभी दिए गए विकल्प। अगले प्रश्न पर जाते हैं 57, ब्याज दर किसके अनुसरण में निर्धारित की जाती है? पैसा और श्रम बाजार में, माल बाजार में, माल और श्रम बाजार में, मुद्रा बाजार में? अगला प्रश्न, फार्म मशीनीकरण योजना के तहत ऋण दिया जाता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, खेती का खर्च देना, कृषि उपकरण की खरीद के लिए या कुओं की खुदाई के लिए? अगला प्रश्न, बॉन्ड पर वापसी निम्नलिखित में से किसके बराबर है? कूपन दर प्लस पूंजीगत लाभ की दर, ऑप्शन बी, पूंजीगत लाभ की वर्तमान उपज प्लस दर, कूपन दर पूंजीगत लाभ की दर, या ऑप्शन डी, वर्तमान उपज पूंजीगत लाभ की दर? अगला प्रश्न हमारा, PPMY ऋण किस कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं? एक साल, दो साल, व्यापार के नकदी प्रवाह पर निर्भर करता है और उधार संस्थान द्वारा तय किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 72 फॉर रीजनेबल रेट्स ऑफ रिटर्न, द टाइम इट टेक्स टू टेस्ट द मनी विल बी टी इक्वल टू 72 अपॉन आइवरसन, ऑप्शन ए डबल्स, ऑप्शन बी ट्रिपल्स, ऑप्शन सी हाउसेस, ऑप्शन डी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए वक्त के लिए सही है? कर बॉन्ड रिटर्न को प्रभावित करता है, पहला प्रश्न, क्योंकि बॉन्ड से मिलने वाली केवल ब्याज आय कर योग्य है, ऑप्शन बी, बॉन्ड से मिलने वाली मूल राशि को ब्याज आय कर योग्य है, ऑप्शन सी, क्योंकि बॉन्ड धारक करदाता होते हैं, क्योंकि सभी बॉन्ड शर्त के साथ बेचे जाते हैं कि कर उसकी वापसी से काटा जाएगा। अगला प्रश्न, यह थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अभियान 2020 तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों को सत वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारी के खिलाफ टीका लगाना है जो या तो वैक्सीन से छूट गए हैं या आंशिक रूप से छूट गए हैं। इनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा और हेपेटाइटिस भी शामिल हैं। इसमें से केवल पहला सही है, यानी कि ओनली वन, केवल पहला या केवल दूसरा या केवल दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, डैश विरोधी जोखिमों के साथ दो निवेश करके समग्र जोखिम को कम करने की रणनीति है, पहला जोखिम फैलाना, दूसरा मानक विचलन, तीसरा प्रतिरक्षा जोखिम या चौथा भेद? वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाता है, पहला सभी कॉर्पोरेट्स द्वारा, कम से कम 10 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सभी कॉर्पोरेट्स द्वारा, सी, कम से कम 5 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सभी कॉर्पोरेट्स द्वारा, या डी, केवल बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को डैश कहा जाता है, सरकारी अनुबंध, कोषागार बंद पत्र, कॉर्पोरेट बॉन्ड या ऑप्शन डी, कॉल करने योग्य बॉन्ड? अगला प्रश्न, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए एक वाणिज्यिक पत्र जारी किया जा सकता है, पहला 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल? अगला प्रश्न, वापसी की उचित दरों के लिए 72 की नियम के अनुसार धन को डैश करने में लगने वाला समय t=72/i% होगा, ए दुगुना, 3 गुना, आधा या 3/4? अगला प्रश्न, समय पर ऋणों के पुनर्भगत का परिणाम है अच्छी साख, चिंता की बात नहीं है, आसानी से ऋण की उपलब्धता, ये ऊपर के सभी? अगला प्रश्न, मोस्ट ऑफ द पीपल अमंग अस आर डैश, फर्स्ट है रिस्क लवर्स, रिस्क एनहेंसर्स, रिस्क एवर्स, रिस्क टॉलरेटिंग?
अगला प्रश्न, 71वां, बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जून 1969, दूसरा 19 जून 1970, तीसरा 19 जून 1960 या चौथा 15 जुलाई 1967। अगला प्रश्न, आरटीजीएस सिस्टम इज यूज फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स विच रिक्वायर्स एन इमीडिएट क्लियरिंग। हिंदी में आरटीजीएस सिस्टम का उपयोग उच्च मूल्य लेन देन के लिए किया जाता है जिसके लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता होती है, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न, मार्केटिंग भाषा में यूएसपी का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म सेलिंग प्रैक्टिसेस, अनोखा सेल्स पर्सन, अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव या अनूठी बचत योजनाएं। अगला प्रश्न क्या है, इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित किया गया और उन्हें बदल दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंकों में या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अगला प्रश्न, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करेगा, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला प्रश्न क्या है, समय साझा करने वाले छात्र अपने कार्यक्रम को संशोधित करने के लिए समवर्ती रूप से कंप्यूटर पर काम करते हैं, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए ग्राहक आईडी और अन्य पासवर्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में प्रेस करें, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, जब आप किसी ग्राहक को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हैं तो बैंक द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन ग्राहक, एक व्यक्ति नियमित रूप से बैंक का दौरा करता है, एक व्यक्ति नियमित रूप से बैंक ड्राफ्ट जारी करता है, एक व्यक्ति नियमित रूप से ऋण जमा खाता बनाए रखता है, या एक व्यक्ति, ऑप्शन डी, एक व्यक्ति नियमित रूप से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, इरिडा पोर्ट्स वायरलेस डिवाइस है जो आपके टीवी पर रिमोट कंट्रोल की तरह अनिवार्य रूप से काम करता है, सत्य असत्य। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ था, 1948, 1949, 1950, 1951। अगला प्रश्न, 1955 में कौन सा बैंक भारतीय स्टेट बैंक बना, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, पीएमएमवाई ऋण का लाभ कौन उठा सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट कंपनी, भारत में शामिल कई अन्य संस्था, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, टैक्स से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए मुद्रा ऋण लिया जा सकता है, विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार सेवाएं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत ऋण, ऑप्शन सी शेयरों में निवेश, प्राथमिक या माध्यमिक बाजार में वस्तुओं, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बैंक मार्केटिंग इस प्रकार है, पहला लेन देन विपणन, ठीक है, दूसरा सेवा विपणन, इनडोर मार्केटिंग या ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है, banks cannot use the services of one of the following as intermediaries under BFBC model, option A NGOs, SLCs, village sarpanch, MFIs. Next question, अगला question 86, PMJDY के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए राज्य स्तर पर मिशन निदेशक वित्तीय समावेशन अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी लेंगे, ऑप्शन बी मिशन निदेशक SLBC और सभी हितधारकों के समय समन्वयन के में कार्य करेगा, ऑप्शन सी SLBC संयोजक राज्य कार्यान्वयन समिति के लिए सचिव के रूप में कार्य करेगा और वित्तीय समावेशन गतिविधि के लिए सभी बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखेगा, उसे वित्तीय समावेशन के विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और पालन करना होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एडिशनल क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग के निम्न में से कौन से रूप आते हैं, पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन ब्रांच बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, दोनों बी और सी। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, व्यवसाय से व्यवसाय, उपभोक्ता से व्यवसाय, सरकार से व्यवसाय या सरकार से सरकार। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की दक्षता एक व्यवसाय पर सख्त नियंत्रण के साथ प्रबंधन प्रदान करती है, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, स्वावलंबन योजना के तहत एक ग्राहक को डेस्क की उम्र में बाहर निकालने की अनुमति होगी, 50 साल, 60 साल, 25 साल, 45 साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन PMJDY योजना के लिए MIS और डेटा उत्पादन में शामिल नहीं है, पहला IBA राज्य स्तरीय बैंक बैंकर्स समिति या तीसरा लोक अदालत, चौथा लीड जिला प्रबंधक। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग निम्नलिखित गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में मदद प्रदान करता है, जैसे कि खाता बनाए रखना, खाता हस्तांतरित करना, धन हस्तांतरित करना, बिलों का भुगतान करना आदि, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, वित्तीय परामर्श में दी जाने वाली सभी सलाह अस्थायी होनी चाहिए जिससे ग्राहक को अंतिम निर्णय लेना हो, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, ATM कार्ड से कौन सा लेन देन नहीं किया जा सकता, 500 की नकद निकासी, 350 की नकद निकासी, 1000 की नकद निकासी या 4000 की नकद निकासी। अगला प्रश्न, डेटा प्रविष्ट क्लर्क और डेटा क्लर्क के शीर्षक विनिमय हैं और ऑपरेशन के भीतर समान स्थिति का वर्णन करते हैं, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, माइक्रो ATM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है,
माइक्रो एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम हैंडहेल्ड डिवाइस है। ऑप्शन बी, ग्रामीण अर्ध शहरी केंद्रों में एटीएम को व्यवहार बनाने के लिए प्रत्येक बैंक मित्र स्थान पर कम लागत वाले माइक्रो एटीएम तैनात किए जाएंगे। ऑप्शन सी, यह डिवाइस मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित नहीं। ऑप्शन डी, यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष बैंक मित्र व्यवसाय संवाददाता से संबंध बैंक की परवाह किए बिना धनराशि जमा करने या निकालने में सक्षम करेगा। अगला प्रश्न, बीमा के लिए मूल्य को डैश कहा जाता है, शुल्क, सेवा शुल्क, प्रीमियम या किस्त। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा शुरू की गई एलपीजी सब्सिडी योजना क्या है। ऑप्शन ए, सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण ईबीआई के माध्यम से सीधे भुगतान करने का निर्णय लिया है। सरकार निवासी के आधार यूआईडी नंबर के आधार पर सब्सिडी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को बाहर करने पर जोर दिया है। ऑप्शन बी, सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे भुगतान द्वारा एलपीजी सब्सिडी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन सी, सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान को एलपीजी सब्सिडी और इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण जैसे यानी कि ईबीटी जैसे एलपीजी सब्सिडी आदि के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा मजदूरी का उपयोग करने से वंचित है एनएसीएच डेबिट, आधार भुगतान प्रणाली पुल प्रणाली एबीपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस या ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच एनएफएस। ये हमारा फाइनल और आखिरी क्वेश्चन आने जा रहा है, यानी सवा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद मैं एक लाइन से सारे प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा और अपने अपने प्रश्न आप सभी मिला लेना, उत्तर मिला लेना जो आपने अपनी कॉपी में उत्तर लिखते आए हैं शुरू से लेकर अंत तक, और उसमें आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक है, तो अगले आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो है सवा प्रश्न, विच इज़ द करंट रिविजन एंड ईयर ऑफ यूसीपीडीसी। UCPDC का वर्तमान संशोधन वर्ष कौन सा है, UCPDC 519193, UCPDC 419193, UCPDC 319173 या उपयुक्त के सभी। ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भाई लोग हमारे पेपर देने जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, ठीक है, तो यहाँ से प्रीवियस यानी क्वेश्चन बैक करने के लिए है, ये अगला प्रश्न करने के लिए है, ऑप्शन क्लियर करने के लिए, अगर आपने गलती से किसी में भर दिया है ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। टैग जो हमारा ऑप्शन होता है कि किसी क्वेश्चन को हम टैग कर सकते हैं ताकि आगे हम बढ़ने के बावजूद दोबारा उस क्वेश्चन के पीछे जाके दे सकते हैं। सेव रिज्यूम का मतलब ऑप्शन सारे पेपर सेव कर दिया गया, फिनिश एंड एग्जिट का मतलब है कि आपने पूरा पेपर समाप्त कर लिया है और आप फिनिश और एग्जिट यानी कि पेपर आप सबमिट करना चाह रहे हैं, जमा करना चाह रहे हैं और बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सौ प्रश्न करने के बाद आप फिनिश एंड एग्जिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सभी जितने भी प्रश्न आप लोगों ने लाइन से देखे हैं अब उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए लाइन से। ठीक है, और मिलाते जाइए आंसर की IIBF 20 एग्जाम का। ठीक है, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का सी, पाँचवें का ए, सिक्स का डी, सातवें का सी, आठवें का डी, नौवें का बी, दसवें का बी, ग्यारहवें का ए, बारहवें का ए, तेरहवें का डी, चौदहवें का डी, पंद्रहवें का सी, सोलहवें का बी, सत्रहवें का ए, अठारहवें का बी, उन्नीसवें का डी, बीस का सी, इक्कीस का सी, बाईस का बी, तेईस का डी, चौबीस का डी, पच्चीस का सी, छब्बीस का सी, सत्ताईस का ए, अट्ठाईस का बी, उनतीस का डी, तीस का सी, इकतीस का डी, बत्तीस का ए, तैंतीस का सी, चौंतीस का बी, पैंतीस का ए, छत्तीस का बी, सैंतीस का ए, 38 का ए, 39 का डी, 40 का सी, 41 का ए, 42 का सी, 43 का ए, 44 का सी, 45 का ए, 46 का ए, 47 का सी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का ए, 51 का बी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का डी, 57 का डी, 58 का सी, 59 का बी, 60 का सी, 61 का ए, 62 का ए, 63 का सी, 64 का सी, 65 का सी, 66 का बी, 67 का सी, 68 का ए, 69 का डी, 70 का सी, 71 का ए, 72 का ए, 73 का सी, 74 का बी, 75 का बी, 76 का ए, 77 का ए, 78 का ए, 79 का ए, 80 का बी, 81 का सी, 82 का सी, 83 का ए, 84 का बी, 85 का सी, 86 का डी, 87 का डी, 88 का ए, 89 का ए, 90 का ए, 91 का सी, 92 का ए, 93 का ए, 94 का बी, 95 का बी, 95 का बी, 96 का सी, 97 का सी, 98 का ए, 99 का बी और 100 का ए,
ठीक है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर थे दोस्तों, और मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें और अच्छे एग्ज़ाम देखें, और सभी IIBF KBC एग्ज़ाम को क्लियर करें। धन्यवाद।